Good morning, dear friends, and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ. And let us give a few minutes of silence and listen to the voice of God. और आइए आज की सुबह कुछ समय हम शांति में बिताएं और परमेश्वर के वचन से सुनें. So that we will live the rest of our day for His glory and knowing what God expects of us. ताकि हम इस बचे हुए दिन को उसकी महिमा के लिए जीने पाएं और ये करने पाएं उस प्रकार से जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है. Today's meditation is taken from the Epistle of Paul to Romans, chapter 12, verses 1 and 2. और आज के मनन के लिए हमने जो वचन लिया है वो रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय पहला और दूसरा वचन है. It says, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present to your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but to be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect will of God. इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ. यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो. टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी आर टॉट इन दिस पैसेज. और वचन के इस भाग में मसीहत के दो महत्वपूर्ण शिक्षाओं को बताया गया है. नंबर वन, पहली शिक्षा, डू नॉट कन्फॉर्म टू दिस वर्ल्ड. और पहली बात जिसको पर पॉलुस याद दिलाता है कि हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना है. बट बी रिन्यूड इन माइंड, लेकिन अपने मनों को नया होते जाने के लिए तैयार करना है. व्हाई द माइंड इज इम्पोर्टेंट, और क्यों मन आवश्यक है या जरूरी है? बिकॉज माइंड इज द कॉन्फ्रेंस रूम. क्योंकि ये जो मन है ये सभा का ऐसा कमरा है जहाँ सारी बातें होती हैं. एनी कॉर्पोरेट कंपनी has a conference room where the company directors under the chairman meet. और कोई भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, उनके पास जरूर एक ऐसा कमरा सभा करने के लिए होगा जहां पर उस कंपनी के निदेशक उसके चेयरपर्सन से मुलाकात कर मुख्य निर्णयों को लेंगे. And every year, once a year they meet and they review their progress. And then they renew, and then they look forward to the new year with a new direction. और हर वर्ष वो अपने नियमों को, अपने कार्यशील बातों को उसके बारे में सभा करके, बातचीत करके, बातों को नया बनाकर हर नए साल के लिए उद्देश्यों और योजनाओं को बनाते हैं. Our mind is like that. और मन हमारा इसी समान है. It is there all the decisions are made. क्योंकि मन के भीतर ही सारे निर्णयों को लिया And जाता that is है. why the devil targets the mind of people first. और इसी कारण वर्ष शैतान लोगों के मनों को पहले आक्रमण करता है. And so today our consideration is we need to be develop non-conformity. और आज के दिन इसलिए मैं इस पर बात करना चाहता हूं कि कैसे हमें संसार के सदृश नहीं बनना. It says, do not be conformed to this world. और वचन में लिखा है कि संसार के सदृश ना बनो. Now what does it mean? इसका क्या मतलब है? It means three things. इसका तीन मतलब है. Number one, पहला मतलब, be practically believers in God. कि प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर में स्वाभाविक रूप से विश्वासी बनो. The existing generation is without God. और जो वर्तमान की पीढ़ी है वो तो परमेश्वर के बिना है. God is not in its considerations or thoughts. और उनके विचारों में, उनके मनों में परमेश्वर को लेकर कोई बात नहीं. And we live a selfish life. और हम स्वार्थी जीवनों को जीते हैं. Even the churches are filled with people with selfish men and women. और यहाँ तक कि कलीसियाएं भी स्वार्थी महिलाओं और पुरुषों से भर गई हैं.
No, God is not the main concern or object. और याद रखिए अब परमेश्वर लोगों का मुख्य दर्शन या मुख्य उद्देश्य है ही नहीं. He is not the main object of our horizon. और वो हमारे उस मंडल का मुख्य योजना या ध्यान में है ही नहीं. It's all about us. ये सिर्फ हमारे विषय में हो गया. Our prayers. हमारी प्रार्थनाएं. What are these prayers for? और हमारी प्रार्थनाएं किस विषय में हैं? But that we want to receive the blessing. We are to be blessed and we are to be strengthened and everything for our benefit. कि सारी बातें हमें आशीष चाहिए, हमें लाभ चाहिए और हर एक बात सिर्फ हमारे विषय में. Without realizing. इस बात को ना समझते हुए. That prayer is meant to change us and transform us. कि प्रार्थना तो इसलिए है कि वो हमें बदलती चली जाए और हमारा परिवर्तन होता चला जाए. The second thing is. और जो दूसरी बात है. Be practically spiritual. और स्वाभाविक रूप से आत्मिक बनते चले जाओ. The present world is essentially materialistic. और जो वर्तमान का ये संसार है ये तो वस्तुओं को जानता और उनको ही लालसा रखता है. In other words, the body rules the spirit. और इसका दूसरे शब्दों में मतलब ये है कि देह या शरीर आत्मा के ऊपर राज्य करता है. Our consideration is what shall we eat and what shall we drink and what shall we wear. और हम इस विषय में सोचते और विचारते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है और क्या बातें करना है. Men everywhere. और मनुष्य हर जगह. They judge after the flesh. वो सिर्फ अपने शरीर के पीछे भागता है. Walk after the flesh. और शरीर के पीछे चलता है. Live after the flesh. और शरीर के लिए जीता है. And judge after the flesh. और उस शरीर के अनुसार न्याय करता है. Now non-conformity is opposite to this. लेकिन संसार के सदृश ना बनने का मतलब ये है कि हम इसका उल्टा चले या उल्टी बातों को हम करें. What does it mean to be spiritual, practically spiritual? और इसका क्या मतलब है कि स्वाभाविक रूप से हमें आत्मिक बनना है? It means in simple terms this: believe God. दूसरे साधारण शब्दों में इसका मतलब ये है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो. That he is. कि वो है. And that God created you. कि परमेश्वर ने आपको बनाया. You exist because of him. और आप इसलिए हैं, आपका अस्तित्व इसलिए है क्योंकि वो है. We owe everything to him. और हम हर एक बात को उसी के कारण हमने पाई है. Including our life. हमारे जीवन भी. And then totally depend on God and do everything in order to please him and glorify him. और हम पूर्ण रीति से उस पर निर्भर हो जाएं और हर एक उस बात को करें जिससे वो प्रसन्न हो और वो आनंदित हो जाए. And so flesh should not dominate our thinking. और इसलिए देह या शरीर को हमारे विचारों के ऊपर राज्य नहीं करना है. Then intellect governs us. और कई बार governs the body. हमारा जो ज्ञान है वो हमारे शरीरों के ऊपर राज्य करता है या उसका दिशा निर्देश करता है. Conscience governs intellect. कई बार हमारा अंदरूनी व्यक्तित्व हमारे समझ और हमारे ज्ञान को का मार्गदर्शन करता है. And moral sense governs conscience. और आत्मिक भावनाएं उस आत्मिक अस्तित्व का नेतृत्व करती हैं. Thus, the things of the spirit are everything to them. और इसलिए आत्मा की बातें सब कुछ है उनके लिए. And thirdly, तीसरी बात, be practically unselfish. कि स्वाभाविक रूप से गैर निस्वार्थ बनना सीखे. The present generation lives to itself. और जो वर्तमान की पीढ़ी है वो तो खुद के लिए जीती है. सेल्फ इज द सेंटर ऑफ आवर एक्टिविटीज. और जो स्वार्थ है या स्वयं है वो हमारी हर एक गतिविधियों का कार्यों का मुख्य स्थान बन चुका है. द कॉमर्स और चाहे वो हमारे कार्य करना है. गवर्नमेंट चाहे वो सरकार है. एंड ऑल एंड इवन द चर्चेस फंक्शन
on a selfish principle. और यहाँ तक कि कलीसियाएं भी स्वार्थी रूप से कार्यशील कर रही हैं. You believe in God. आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं. You will be blessed. आप आशीषित होंगे. You will be lifted up. आपको ऊंचा उठाया जाएगा. And you will have everything. और आपके पास सब कुछ होगा. So that is the principle that drive people to the church. और ये वो सिद्धांत है जो लोगों को कलीसिया लेकर के आता है. Non conformity is the opposite. लेकिन उसके सदृश ना बनने का मतलब है कि हम उसके विपरीत चले. It means इसका मतलब है to be in sympathy with God. कि हम परमेश्वर के प्रति उस नम्र और विनम्र स्वभाव में बने रहें. God rules. कि परमेश्वर राज्य करता है. He reigns. और वही राज्य करता रहेगा. And so Apostle Paul says. और इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है. Whatever you do. कि जो कुछ भी तुम करते हो. Even eating and drinking, यहाँ तक कि खाना और पीना भी, must be done for the glory of God. हर एक बात तुम परमेश्वर की महिमा के लिए करो. That is non-conformity. और इसका मतलब ये है, इसका मतलब कि हम नाश उसके सदृश नहीं बने. So when the apostle Paul says, और इसलिए जब पौलुस प्रेरित कहता है, do not be conformed to this world, कि तुम इस संसार के सदृश ना बनो, but be transformed and changed, लेकिन अपने आप को बदलते चले जाओ. See when we only think of our body, जब हम सिर्फ अपने शरीरों के विषय में सोचते हैं, we are pleasing ourselves, तब हम खुद को प्रसन्न कर रहे हैं, and trying to satisfy ourselves, और खुद को तृप्त करना चाहते हैं, and improve ourselves, और खुद को सही और आगे बढ़ाना and चाहते हैं, and everything as a reference to me, to I, और हर एक बात का लेना देना सिर्फ मुझसे है. That is the problem. और यही समस्या है. And so our first thing is, do not conform to this world, but be renewed in mind. और इसलिए हमारी पहली बात ये है कि संसार के सदृश ना बनो, लेकिन परंतु मन में नए हो जाने के लिए तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए. Initially I said there are two important aspects of a true Christianity are taught in this. जैसा कि आपको याद हो, मैंने शुरुआत में ही कहा था मसीहत के दो ऐसे मुख्य सिद्धांत हैं, उनमें से एक हमने so बात today we have considered first और उनमें से दो सिद्धांतों में से पहले के लिए आज हमने बात की. And our next meditation on Thursday we will talk about the second aspect. और अब हमारे अगले मनन जो कि बृहस्पतिवार को होगा, हम दूसरे पहलू के ऊपर बात करेंगे. And meanwhile, और तब तक, let us live for God. तब तक हम परमेश्वर के लिए जिए, for His glory, और उसकी महिमा के लिए, and in sympathy with God. और परमेश्वर के प्रति एक विनम्र और नम्र स्वभाव में. God must be glorified. और परमेश्वर हमारे जीवनों से महिमा पाए. For this, may the Holy Spirit help you today. और होने दे पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे आज के दिन इस बात के लिए. Spirit of God, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, we need you. हमें तेरी आवश्यकता है. Without you, we are nothing. तेरे बिना हम कुछ भी नहीं. We can do nothing. हम कुछ भी कर नहीं सकते. And therefore we come to you, Lord. और इसलिए हम तेरे निकट आते हैं. We want to live in sympathy with you. और हम तेरे पास आकर तेरे संग एक विनम्र स्वभाव में जीना. And we want to do everything for your glory. और हम एक हर एक उस बात को करना चाहते हैं तेरी महिमा के लिए. Even making sacrifices for ourselves. और यहाँ तक कि खुद के लिए बलिदान करने के लिए. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. This is a great day, friend. Have a wonderful day. एक ये महान दिन है मेरे मित्रों, एक अद्भुत दिन, और आप एक अच्छा दिन आपका भी Amen. Amen.